वी हैव टू डू अ बाईमैग सर्जरी क्लासिकल, मतलब इनका जो जॉ रिलेशन है ना सही नहीं है, अपर और लोअर दोनों में प्रॉब्लम है। और कितना सर्जरी होगा वो हम आपको स्कैन के बाद बताएंगे, बट स्कैन डन बट इट्स नॉट वर्किंग नाउ, बंद हो गया था। हाँ एक मिनट, वर्किंग नाउ, नहीं नहीं वापस वर्क हो रहा है। यू हैव एनी पेन हियर और एनीथिंग? No pain, right? No. Show me your teeth. And what happened to that tooth there in the front? नीचे एक दांत है, इसको तो निकालना पड़ेगा, ये दांत को भी, ये ऊपर का दांत को भी निकालना पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे एक दांत है, क्या करना होगा ना, अपर जॉ को यहाँ पे हॉलो है तो इसको थोड़ा बाहर लेके आना होगा, ये जॉ को रोटेट करके पीछे लेके जाना होगा, तो तब जाके इनका बाइट करेक्ट हो जाएगा दोनों अपर और जॉ। और फिर ये इनका दांत का भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो भी करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन में कर सकते हैं अगर आपको कराना है तो। एक दांत दिख रहा है आपको नीचे अटका हुआ है, इसको सर्जरी करते वक्त इसको भी निकाल सकते हैं, और ये ऊपर जो दांत है आपने बोला फ्यूज है वो भी निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पे है एक दांत इनका पूरा। तो नॉर्मली सिर्फ ये करने के लिए सर्जरी लगेगा 45 मिनट्स, क्योंकि वो चिन के अंदर है। हाँ तो अभी फिलहाल बाकी सर्जरी हो रहा है तो ये बेहोश करेंगे ना, तो साथ में ये भी कर सकते हैं आपको, तो सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा। और सिर्फ बाद में आप घर जाने के बाद ये जो जगह है गैप रहेगा वहाँ पे इनको एक स्क्रू डाल के टूथ लगा देना, बिकॉज वो अभी नहीं हो पाएगा इम्प्लांट, ये गैप रहेगा आपको, बाकी पूरा रेडी कर देंगे फेस और ये दांत सब कुछ, वो गैप में सिर्फ आपको बाद में दांत लगाना होगा, नहीं तो वापस उसके लिए आना होगा 3-4 महीने के बाद, वो वेस्ट है, बहुत दूर से आप आ रहे हैं, तो वो सिर्फ सेपरेटली वहाँ करा दो। ओके राइट, अब आपको कब कराना है ये, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है ना, इनका मेजरमेंट निकालना है, अगर आपको सर्जरी करना है ब्लड टेस्ट करना होगा और मेजरमेंट करते हैं इनका, मेजरमेंट करके वो जो कास लेके आओ मैं इनको दिखा देता हूँ। तो आप लोग समझने के बाद ही आए क्या? ठीक है, तो फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्रोसेस, अभी आपको वो काम चालू होगा फिर तुरंत। तो और कब वापस जाएंगे आप? जल्दी हो सके, आप जैसे 7-8-10 दिन लगेगा। हाँ जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा वेट करो। देखो ऐसा ऐसा रेडी करेंगे, इनका जबड़े का मेजरमेंट लेके ऐसा रेडी करके इसमें सर्जरी होगा फर्स्ट, इसको बोलते हैं मॉक सर्जरी, फिर वो प्लानिंग करके ऊपर लेके सर्जरी करेंगे। तो ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्लानिंग में चलेगा, इसके लिए सब टाइम लगता है, तो 1-1.5 दिन लग जाएगा, अगर आप आज हाँ बोले तो शायद कल शाम को हो पाएगा, ऐसा है तुरंत नहीं होगा, इसीलिए हाँ सब रेडी करेंगे, इसमें प्लानिंग करेंगे, सब टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, अब मैं आपको सर्जरी का प्लान बता दिया, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करो, आपको कितना दिन रहना पड़ेगा, कितना कॉस्टिंग सब बता देंगे, उसके बाद आप हाँ बोलें तो तुरंत यहाँ आपका काम स्टार्ट होगा, उसके बाद मिनिमम 1 दिन के बाद आपका सर्जरी होगा।
सर्जरी के बाद एक हफ्ता रहना होगा आपको कम से कम, एक हफ्ता में मोस्टली सब रेडी हो जाएगा, फिर आप चले जाओ और फिर वहाँ पे दो महीने के बाद वो दांत लगवाओ, बस ट्रीटमेंट फिनिश। मैंने मान लीजिए 10 दिन बाद या 7-8 दिन बाद चले जाते हैं आफ्टर पोस्ट सर्जरी, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम एक नंबर देंगे आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, वैसा होगा नहीं कुछ भी। अगर डाउट है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं एक हफ्ते के बाद, और एक दो दिन मतलब वेट करने के लिए बोलेंगे। एक हफ्ता तो बहुत अंदाज है, ये यंग बॉय है तो जल्दी होता है जनरली ट्री हीलिंग, एक दो दिन आगे पीछे होता तो हम आपको बता देंगे वो ही। ओके सर, और एक बात है, उसकी स्किन देखिए ना सर, पूरा पिंपल से भरा हुआ रहता है। वो एज का है? एज का नहीं है सर, वो जब वेरी बर्थ से सही लगता भाई, बर्थ वेरी बर्थ से पिंपल है, वो नाक के ऊपर पूरा पिंपल था, होने के बाद ही सेरिब्रल अटैक हो गया था, उसके बाद ही जैसे नर्स लोग लाए मेरे पास, ये सारा एरिया में छोटे 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 पिंपल था, उसके बाद से उसका पिंपल कभी जाता ही नहीं है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी इस पोजिशन में आता है। तो देखो उसका तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, वो शायद ठीक नहीं होगा, शायद ठीक होगा वो, और ये सर्जरी में कनेक्शन नहीं है बिल्कुल, वो आप बाद में हाँ ये बाकी पूरा रेडी करके दे देंगे आपको। सर एक चीज बताइए, बाई जो सर्जरी होगा, हाँ दोनों जो का करेंगे पक्का? ओके, मतलब एक जो जैसे अंदर चला गया उसमें नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेंगे ना फिर, उनका मैच नहीं रहेगा फेस, ये भी तो आगे आना है तभी तो फेस अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है, इसको हम सिर्फ पीछे निकले गए ना, फिर इनको ब्रीदिंग स्लीपिंग में सब प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ माँ, इको पाक बढ़िया चले गए करना पड़ रहा है, मतलब ये जो खाली डालने से पीछे नहीं होगा ना? पीछे होगा लेकिन मैच बैलेंस नहीं होगा, फिर इनको ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टी होगा, तो बिकॉज दोनों करना पड़ेगा तभी ये अच्छा रहेगा इनका। देखो जहाँ प्रॉब्लम है लाइक अपर जॉ ग्रोथ कम है, ये थोड़ा ज़्यादा, इसको ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाएंगे हम, इसको रोटेट करेंगे और इसको आगे और नीचे लेके आएंगे, तब इनका फेस और टीथ करेक्ट रहेगा। ओके, ये पहले ब्लड टेस्ट, फिर एनेस्थेटिस्ट, फिर इम्प्रेशन, रिजो, सब कुछ, दांत का भी एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, उसका भी क्या क्या करना है वो भी बता दो इनको। हाँ कल अगर सब कुछ रेडी होगा तो कल शाम तक, उसे पहले तो नहीं हो पाएगा। तो ये आपको बताएंगे कब रेडी होगा सब कुछ, कल शाम तक होपफुली या कल दोपहर तक। आप इनके पास जाइए, एक एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, उनसे बातचीत कराइए, टॉक टू हिम, उसके बाद अगर आप सब ओके हो तो फिर यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होगा। ऑलराइट, डर है थोड़ा थोड़ा सा? क्या कर रहे हैं अभी, 12th हो गया? फिर 10th हुआ है, अच्छा वेरी गुड, डरने की बात नहीं है, दर्द नहीं होगा, 24th को खत्म हुआ तो इसलिए हमने जल्दी आ गए। हाँ देखो दर्द ज़्यादा नहीं होगा, इंजेक्शन देंगे, जैसे एक सूजी लगता है ना तब इतना दर्द ही होता है, बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सो जाएंगे ऐसे ही, जब उठोगे तो पूरा प्लास्टर रहेगा, अगर दर्द होगा तो हमको बताना है कि डॉक्टर हमें यहाँ यहाँ कहाँ भी दर्द है, दर्द है बस, और एक दो दिन के बाद दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन डाइट रिस्ट्रिक्शन होगा, तो आप पहले लिक्विड डाइट खा पाए पी पाएंगे, सिर्फ खाना नहीं हो पाएगा। आप नॉनवेज लेते हो तो वो नहीं हो पाएगा 3-4 हफ्ता, तो फर्स्ट हाँ अरे हाँ, वो बिकॉज वो बाइट नहीं है अभी, हाँ वो चिकन वगैरह वो ठीक से नहीं बाइट कर पाता ना, तो वो अभी वो सब बेटर हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, एक दो महीना लगेगा, उसके बाद आपको वो सब सही हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, तो वो आपको सोचना है। लेकिन यंग बच्चे ना तो हम समझते हैं ऐसे, ये नहीं थोड़ी समझेंगे। Hello everyone, I'm here with this young anxious patient of ours. Anxious reasonably so because it's his surgery and for the first time he'll be operated on a general anesthesia, but for a very genuine reason. As we can see on the street profile, the chin seems to be outward and the upper jaw seems to be inward. When the patient came, he only said that chin ka problem hai, lower jaw bahar hai. But what people often fail to recognize is the upper jaw is inside. So if you turn on one side, you see the maxilla is hypoplastic, it's inside, and the mandible is outside or prognathic. We'll show you how his bite. Bite karo.
Yes. So when he bites and when he closes his mouth, we see that the upper jaw, it's a reverse overjet. We say reverse because generally your upper jaw should be ahead or outward of your lower. We see your tooth is almost rudimentary. That's because the permanent tooth is impacted below, which we can't see. You can obviously see in the scan. Here's a classical case of needing a bimaxillary surgery, meaning a two-jaw procedure wherein the maxilla and the mandible both shall be operated upon. The maxilla, it will be an advancement to get the jaw outside to correct the hyperplasia or the grooving that he has here. The lower jaw procedure, why? To correct the prognathism, not only along the chin but also along the mandible. So we see the angle at which the mandible is growing. There has to be an outward movement of the upper jaw and a little bit downward tipping, and correspondingly there has to be a movement of the lower jaw wherein it will be taken inside and rotated. So it's a bi-jaw surgery starting now. We'll follow it up because such cases give us dramatic results both in terms of function and cosmetic appearance. Also, a thing to be mentioned is that he had tried orthodontic treatment, which is braces in layman terms, several times. But as his parents and patient himself complained, it was of no use. That's because orthodontic treatment generally gives us better dental alignment, or as we say, leveling alignment is done by orthodontic treatment, but skeletal issues can be treated only surgically. So we'll see how this surgery goes. Thank you. Injection there, and I see it. So we're going to do an underbite correction surgery here. It's going to be a bimax. I'm going to show you his occlusion. So see how his lower jaw teeth come forward. So this part of his face, the middle third of the face, as we call it, is sunken in, has less growth. This part is not grown in excess. So what we're going to do is we're going to bring the upper jaw out by about 5 mm. We're going to rotate it down a little bit clockwise. And we're going to take the lower jaw back in an anti-clockwise movement to get the occlusion. That's the plan for this guy. He also has an impacted tooth somewhere sitting there, very close to his chin, which we're going to take it out at the very end. So it's going to be a Le 4-1 high with BSSO and a Genio. Completed with this bi-jaw procedure, we're going to show you the patient's side view now. So you can see that profile. Okay, we did upper jaw surgery, lower jaw surgery, and also chin surgery in order to bring about all these changes in the patient's face, also in the occlusion, also in the bite. Okay, I'm going to show you how he's looking right now. We're going to show you his occlusion as well. Can you show his occlusion? Huh? His dynoplasty. Yeah, apply some more and then we'll take it off. And I need his pictures. Okay, then we'll just come and remove. So we had done a major bi-jaw surgery for this guy. He's a young, brave boy. He's just 17 and he's come very, very far, from very, very far with his parents. We're just taking off the dynoplasty. Remove that, I'll get in this call. And once we remove the dinoplast, we're going to show you. Dard ho raha hai? Nahi ho raha hai na? Very good. Okay, maybe I'll just take this off. Dheere se beta. It's quite hard there. I don't know.
take this front of sir. Okay, beta, 1 minute. Sorry, 1 minute, last bit. धीरे धीरे हाँ वो थोड़ा ना धीरे करेंगे तो भी फिर भी दर्द होता है. सो दिस इज सिक्स्थ डे फॉर हिम नाउ. डन. कैसा लग रहा है? दर्द कम हो गया? अभी रिलीफ हो जाएगा बहुत. एक मिनट. ओके, मैं एक बार आपके इंट्रो शो द बिफोर ऑल्सो. यू कैन गिव हिम द मिरर टू. You can show me the side view, front view. So you can see this, and we've done the procedure. You can see that upper jaw has been brought forward, lower jaw has come back. You can see the angle difference. This is just day 6, and you can see the improvement everywhere. Fullness of the lip. Yes, up. And this is this. Okay, more. Yeah. This is a. You can see that. Bring it properly. या देख सकते हो ना आप इसमें, ये जो अंदर था आपका ऊपर का जबड़ा अच्छी तरह से बाहर आया है. नाक का शेप देखो, वो भी इम्प्रूव है. ओके, ये लोअर लिप भी इम्प्रूव है, अपर लिप भी इम्प्रूव है, चिन भी इम्प्रूव है. ये लाइन देखो कितना बढ़िया है. अभी पहले देखो आपका लाइन था ही नहीं, लोअर जॉ का लाइन है ना. तो यहाँ से पूरा यहाँ तक इम्प्रूव है, लिप इम्प्रूव है, अपर जॉ, नोज, पूरा इतना जगह पर सर्जरी हुआ है. मैं आपके पिताजी को बुलाता हूँ. देखिए कैसे लग रहा है. ये साइड ऐसे देखिए. शो मी द साइड फॉर दैट, द साइड व्यू आल्सो. ये देखिए, मैं अभी बता रहा था कि मतलब ये व्यू में अगर देखोगे ना, अपर लिप, नोज, लोअर लिप, चिन, पूरा एंगल चेंज हुआ है. और ये मेन नहीं था इनका, ये सेकेंडरी था. मेन दांत था वो भी सही है. दांत का देखो अभी आगे. बैठ करो बेटा, आ करो, बाइट देखो. हाँ, पूरा वो भी बाइट, अक्लूजन भी बराबर है. डू वी हैव अ फ्रंट अक्लूजल व्यू और समथिंग? नो, एटलीस्ट शो द फ्रंट व्यू. सो ही हैड व्हाट इज कॉल्ड एज एन अंडर बाइट. अनफॉर्चुनेटली हिज प्री ऑप इज नॉट शोइंग हिज टीथ. डू वी हैव अनदर पिक्चर? आई थिंक वी हैव. सो दिस अपर जॉ वॉज इन साइड, वॉज लाइक दिस. दिस इज अ लोअर जॉ, द अपर जॉ वॉज इन साइड. वी गॉट द अपर जॉ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. And then we rotated the lower jaw upwards and we moved the chin down forward. So by doing this, we've got this jawline here, we've got the chin, we've got this down. So the whole face has been fixed. So his main concerns of not able to eat well, that will get taken care of. At the same time, the whole facial skeleton has been readjusted and put in the right place where it needs to be. And this will make sure that he has good eating, chewing, and also better aesthetics. ये अभी सूजन है, 5-6 दिन तो हुआ है, और जब कम होगा ना बहुत बढ़िया लगेगा. और ये जो दांत था सेंटर का, वो भी निकाल दिया. यहाँ पे जो दांत अटका था वो भी निकाल दिया है. यहाँ पे सिर्फ इनको एक दांत लगना चाहिए बाद में. वो आप जो बोल रहे कि जैसे हम देख रहे थे, एक दांत में ही हो जाएगा ना, दो दांत का जस्टिस नहीं. करो बेटा ये करो, शायद दो होगा. दो होगा ना, एक मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा. वो लगा देंगे आप, वो आपके शहर में भी आप लगा दो, जल्दी कुछ नहीं है. अभी पूरा हीलिंग होना है. आप भी आपका स्कैन भी निकालेंगे. इनको आज से आप सॉफ्ट सॉलिड देना ना खाना, इडली टाइप खाना दे सकते हैं. इडली, हाँ, इडली और खिचड़ी टाइप हो जाएगा, ठीक है ना. और आपकी वाइफ को जो सर्जरी हुआ है ना, वो 10 दिन रहना पड़ेगा, 9 दिन एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे सब हड्डी लगा है हमने. 7 दिन बोला था, 1-2 दिन एक्स्ट्रा बेटर है. आप उसका जरा प्लान करो, इसीलिए बोलने वाला था तो उससे पहले आप नीचे आ गए. इनका तो हो गया फिलहाल, कल तक ये रेडी हो जाएंगे. लेकिन हमारे पास अगर रहेंगे तो अच्छा ही है, पूरा क्लीनिंग करेंगे दांत का भी, अंदर का खाना जब होता है. हाँ नहीं नहीं बता रहे हम तो अच्छा ही है. एक एक्स्ट्रा हफ्ता रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप इज एंटीबायोटिक्स एंड ऑल. रिमूव आई वी, स्टॉप एवरीथिंग, जस्ट दवा भी आपको टैबलेट ही मिलेगा. तो इसको खोल सकते हैं, सब निकाल देंगे आज.
सवेरे निकालने के लिए बोला है, अभी तक नहीं निकाला. कैन यू रिमूव दैट? इज बीन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. गेट समवन टू डू इट राइट अवे.